हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मैं मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द हिंदू से कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला वर्ड है मेरा नैरो डाउन। नैरो डाउन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी और चॉइसेस, कि बहुत सारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ है या बहुत सारी जो भी चॉइसेस है उसको कम कर देना, उसको नैरो कर देना। ठीक है, इसका एग्जांपल है बाय हैविंग एन आइडिया ऑफ हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। अगर आपके पास एक आइडिया होगा कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, यू कैन नैरो डाउन योर चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक। आप क्या कर सकेंगे? अपनी चॉइसेस को कम कर सकेंगे। तो नैरो डाउन का मतलब पॉसिबिलिटीज़ को या फिर चॉइसेस को कम करना, उनको नैरो करना। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ, किसी को पब्लिकली अप्रूव करना या फिर सपोर्ट करना, मतलब समर्थन करना। एग्जांपल है इसका आई हैव एंडोर्स अ रेजोल्यूशन। मैंने क्या किया है? मैंने एक एंडोर्स किया किसको? रेजोल्यूशन को, मतलब मैंने क्या किया है? मैंने अप्रूवल दिया एक रेजोल्यूशन को। ऑन योर मेमोरेंडम, किसके बेसिस पे? तुम्हारे मेमोरेंडम के बेसिस पे। एंड सेंट इट टू द कमेटी, और मैंने उसको क्या कर दिया? कमेटी को सेंड कर दिया। इट मीन्स कि मैंने तुम्हारा जो मेमोरेंडम था उसको अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विनॉड। विनॉड क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेलेक्ट डिजायरेबल पार्ट फ्रॉम अ ग्रुप और अ लिस्ट, कि मैंने क्या किया? बहुत सारा एक ग्रुप था मेरे पास और बहुत बड़ी लिस्ट थी, तो मैंने उसमें से जो भी मेरे लाइक डिजायरेबल था उसको सिलेक्ट कर लिया। और इसको एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं? टू ब्लो थ्रू ग्रेन इन ऑर्डर टू रिमूव इज आउटर कवरिंग, कि मैंने ग्रेन में से जो भूसा होता है, मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो कि हमारे पार्ट के लिए नहीं होती, जो हमारे यूज़ के लिए नहीं होती, उसको अलग कर देना। तो मतलब ग्रेन में से रिमूव कर देना उसके आउटर कवरिंग को, मतलब अनाज पछराना, फटकाना, ओस्टा। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसका। द लीस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट, जो भी लीस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट थे वर विनॉड आउट, उनको क्या कर दिया गया? उनको विनॉड आउट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया ऑफ द इनिशियल पूल, इनिशियल पूल में ही। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है हार्वेस्टर्स विनॉड द शेफ फ्रॉम द वीट। हार्वेस्टर ने क्या किया? वीट में से शेफ अलग कर दिया, वीट अलग कर दिया। ऐसी क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स अलग हो गए और नॉन क्वालिफाइड अलग हो गए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिन्होंने आपका दिल जो है वो जीत लिया, जिन्होंने विन कर लिया आपको, मतलब जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से या अपने आईक्यू से आपको जीत लिया, तो आपने उनको अपनी टीम में रख लिया। जिन्होंने नहीं जीत पाए वो उनको आपने आउट कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैकसिस। कैकसिस का एक नाउन है जिसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल गैदर, जब बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं, टुगेदर फॉर अ मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए, मतलब बैठक। द स्टूडेंट प्लान्ड अ कैकस, स्टूडेंट ने प्लान किया एक कैकस को टू डिस्कस अल्टरनेटिव, ताकि वो डिस्कस कर सके अल्टरनेटिव्स को टू द स्कूल्स स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। वो अल्टरनेटिव किस बारे में था, किस मोटो पे था वो मीटिंग? तो वो थी स्कूल की जो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है उसके बारे में। तो कैकस इज मतलब कि अ नंबर ऑफ पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्टुजेनेरियस। सेप्टुजेनेरियस क्या एक नाउन है? इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, कि वो ये वो पर्सन होते हैं जो 70 और 79 ईयर्स की एज के होते हैं, तो 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य। तो एक्स का एग्जांपल है एज शी अप्रोच 80, वो अप्रोच कर, मतलब वो पहुंचने वाली है 80 की एज में। द सेप्टुजेनेरियस विश दैट शी कुड स्टे 79 फॉर एवर, तो उनकी जो सेप्टुजेनेरियस की विश है, मतलब 70 की अवस्था की जो विश है, वो चाहती हैं कि वो हमेशा रहे। ठीक है, मैं हमेशा 79 की ही रहूं। तो सेप्टुजेनेरियस मतलब कि 70 से लेकर 79 तक की जो एज वाले बंदे होते हैं उनको कहते हैं सेप्टुजेनेरियस। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर को कौन सा मंथ होता है? 9 मंथ होता है। और जेनेरियस का मतलब होता है जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब बहुत ओल्ड, तो अराउंड 70 से लेकर 79 तक में सेप्टुजेनेरियस। नेक्स्ट है हमारा इंथ्यूजियास्टिक। इंथ्यूजियास्टिक क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग द इंटेंस और ईगर इन्जॉयमेंट, कि जब भी बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हमारे में क्या होती है, इन्जॉयमेंट होती है, इंटरेस्टेड होते हैं, अप्रूवल होते हैं, उत्साही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्नआउट। टर्नआउट क्या है? एक नाउन है। टर्नआउट क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग जो है अटेंड करते हैं, और टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट, किसी इवेंट के अंदर
बहुत सारे लोग जो है अटेंड करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, स्पेशली द नंबर ऑफ़ पीपल वोटिंग इन एन इलेक्शन, कि स्पेशली तब टर्नआउट का यूज़ किया जाता है जब बहुत सारे लोग जो है वो वोट करते हैं इलेक्शन के अंदर, मतलब उपस्थिति। द कॉन्सर्ट अट्रैक्ट अ लार्ज टर्नआउट, जो कॉन्सर्ट है, एक कॉन्सर्ट है उसके अंदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो द कॉन्सर्ट अट्रैक्ट अ लार्ज टर्नआउट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रैन ऑन। रैन ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और प्लान्ड, कि जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ चले जा रही, कॉन्टिन्यूस नेचर में है। नेक्स्ट है हमारा अनएपोलॉजेटिक। अनएपोलॉजेटिक क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एक्नॉलेजिंग और एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, कि किसी तरह का कोई पछतावा ना होना, कोई गिलानी ना होना, कोई गिल्ट नहीं होना, कोई सॉरी नहीं है, ठीक है। अनएपोलॉजेटिक, तो एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी और अनएपोलॉजेटिक का मतलब हो गया कोई माफ़ी नहीं। द क्रिमिनल वाज अनएपोलॉजेटिक, जो क्रिमिनल है वो अनएपोलॉजेटिक है एंड रिफ्यूज टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर हिज क्राइम, और वो क्या, वो बोल भी नहीं रहा है कि मुझे फॉरगिव कर दो, या उसको कोई रिग्रेट भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड क्या, एक नाउन है जिसका मतलब होता है फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड, उस चीज़ के लिए लड़ना जो आपके अकॉर्डिंग सही है, और अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड, और उस चीज़ के लिए लड़ना जो आपके अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ सही है उसके लिए आवाज़ उठाना और जो चीज़ गलत है उसके लिए भी आवाज़ उठाना, उसको कहते हैं क्रूसेड कहते हैं। तो इसका मतलब है द अकॉन्क्रेटेड एफर्ट और विग्रस मूवमेंट, एक तरीके से मूवमेंट है ये फॉर अ कॉज, किसी भी एक कॉज के लिए अगेंस्ट द अब्यूज़, कोई भी अब्यूज़र है उसके लिए, लाइक क्रूसेड फॉर लिटरेसी या क्रूसेड फॉर ड्रंक ड्राइविंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडियर। एंडियर क्या, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन, या फिर किसी की अटेंशन को होल्ड करना, मेक अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव दिखना, और लवेबल कि खुद को अट्रैक्टिव दिखवाना, लवेबल दिखवाना, अट्रैक्ट करना, अटेंशन सीक करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंडियर। इफ़ यू वुड लाइक टू एंडियर योर सेल्फ टू माई मदर, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी मतलब मेरी मदर के सामने जो है वो लवेबल दिखो, अट्रैक्टिव दिखो, अटेंशन सीक करो, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखो, तो यू शुड ब्रिंग हर फ्लावर, तो तुम्हें उनके लिए फ्लावर्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब इम्फेसिस का एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्पेशल इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ को इम्फेस करना, मतलब फोर्स करना उसको, ठीक है। तो इम्फेसिस का ऐसे याद कर सकते हो, फोर्स करना किसी चीज़ को, तो स्पेशल इम्पॉर्टेंस देना, वैल्यू देना या प्रोमिनेंस देना, ठीक है, किसी चीज़ को मतलब बल देना, जोर देना, महत्व देना। देयर वॉज एन इम्फेसिस ऑन इम्प्रूव इन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल कॉस्ट रिकवरी, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किस पे इम्फेसिस कर रहे हैं, किस पे जोर दे रहे हैं, कि उनकी फुल कॉस्ट रिकवरी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेलीगेटेड। रेलीगेटेड क्या, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस इन स्टेटस और क्वालिटी, किसी की स्टेटस में कमी आ जाना या क्वालिटी में कमी आ जाना, वो क्या होता है, रेलीगेटेड होता है। आफ्टर द लीड एक्टर हैड बीन रिपीटेडली लेट फॉर रिहर्सल, जो लीड एक्टर था वो रिपीटेडली क्या हो रहा था, लेट हो रहा था रिहर्सल के लिए। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रेलीगेट दैम, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि मैं उसको निकाल दूंगा फ्रॉम द कॉरस, जो भी ग्रुप था, एंड रिप्लेस दैम, और उसको क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा ड्यूपोली। ड्यूपोली एक क्या, एक नाउन है, अ सिचुएशन इन विच टू सप्लायर डोमिनेट द मार्केट फॉर अ कॉमोडिटी और अ सर्विस, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर दो ही सप्लायर होते हैं, किसी कॉमोडिटी के लिए भी और किसी सर्विसेज के लिए भी, वही पूरा का पूरा मार्केट लीड करते हैं। एक होती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की ही चलती है, पूरा का पूरा मार्केट जो है जब एक पर्सन लीड करता है तो उसे कहते हैं मोनोपोली कहते हैं। इसका एग्जांपल है देयर स्मॉलर राइवल्स इज बैटलिंग टू एंड देयर ड्यूपोली, जो स्मॉल राइवल्स है ना वो बैटल कर रहे हैं किसके लिए, ताकि ड्यूपोली को ख़त्म किया जा सके। तो गाइस ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वो कैप्स के वर्ड्स, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मेरा वर्ड था नैरो डाउन। नैरो डाउन का एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस। दूसरा मेरा वर्ड था एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब किसी को पब्लिकली अप्रूव कर देना, किसी को समर्थन करना। तीसरा मेरा वर्ड था विनॉड। विनॉड का मतलब जिन्होंने आपका दिल जीत लिया, जिन्होंने आपको विन कर लिया, उनको सेलेक्ट करना, और जिन्होंने आपको नहीं इम्प्रेस कर पाए उनको डिसलेक्ट, उनको हटा देना, ठीक है, तो विनॉड हो गया। नेक्स्ट है हमारा कैकसिस। कैकसिस का मतलब जब बहुत सारे लोग जो है टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी मीटिंग के लिए, मीटिंग को डिस्कस करने के लिए, तो उसे कहते हैं कैकस। नेक्स्ट है हमारा
सेप्टुजेनेरियस, सेप्टुजेनेरियस क्या है, जो कि जो भी पर्सन 70 से लेकर 79 तक की एज के होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेप्टुजेनेरियस। तो सेप्टुजेनेरियस मतलब सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में होते हैं, नाइन सेप्टेम्बर क्या करते हैं, नाइन मंथ होता है हमारा। और जेनेरियस मतलब जनरेशन, ठीक है, तो 79 से। नेक्स्ट है हमारा एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब किसी एक इवेंट है उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टी, पहले तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, अटेंड करने के साथ साथ पार्टिसिपेट भी किया, स्पेशली ये वोटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। जो कॉन्सर्ट है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लोग, जितने भी द कॉन्सर्ट अट्रैक्ट द लार्ज टर्नआउट, जो कॉन्सर्ट है उसने अट्रैक्ट किया लार्ज टर्नआउट को। नेक्स्ट होता है रन ऑन, रन ऑन मतलब कोई भी चीज़ चलती रहना, चलती रहना, रन होती रहेगी कोई चीज़। फिर है अनअपोलोजेटिक, अनअपोलोजेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई गिल्टी ना होना, कोई पश्चाताप नहीं होना, गिलानीहीन, कोई अपोलॉजी ना होना। नेक्स्ट हमारा क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब कोई भी मतलब फाइट करना कोई भी ऐसी चीज़ पे जो कि आपको लगती है वो सही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग गलत है उस पे लड़ाई करना, लड़ाई करना, उसके ऊपर फाइट करना, उसको चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडियर, एंडियर मतलब खुद को अट्रैक्टिव दिखाना, खुद को दूसरों के सामने उस खुद की मतलब अटेंशन सीक करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव दिखना, लवेबल दिखना, तो वो एंडियर होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब फोर्स करना, किसी चीज़ को फोर्स करना, उस पर जोर डालना, उस पर बोलना या उसको महत्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेलीगेटेड, रेलीगेटेड का मतलब है किसी की स्टेटस में गिरावट आना या क्वालिटी में गिरावट आना, उसको रेलीगेटेड कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूपोली, ड्यूपोली मतलब जहाँ पे दो ही लोग हैं वो पूरा मार्केट चला रहे हैं, चाहे वो गुड्स की बात हो क्या सर्विसेज की बात हो। तो गाइस ये थे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स, आई होप आपको सब समझ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।